ऑप्शन की कोई ऐसी रणनीति बन सकती है जिसमें अव्वल एक तो देखिए टेंशन कम हो, दूसरा इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शन का वैज्ञानिक होना अनिवार्य ना हो, यानी डेल्टा थीटा गामा की समझ न भी हो तो भी ट्रेड कर पाएं, तीसरा ऐसी स्ट्रेटजी हो जिसमें पैसा जबरदस्त बने, स्ट्रेटजी ऐसी हो जिसमें ऑप्शन शॉर्ट ना करने पड़े, स्ट्रेटजी ऐसी हो जिसमें टाइम वैल्यू डीके यानी कि समय के साथ ऑप्शन की कीमतों के कम होने का खतरा सिर पे ना मंडराए, और फिर ऐसी स्ट्रेटजी हो जो सिंपल हो। तो देखिए ऐसी स्ट्रेटजी केवल परिकथाओं में मिलती है, फेरी टेल्स में, ऐसा लोगों का मानना है। देखिए सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, आज के वीडियो में बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रेटजी आपके सामने रखने जा रहा हूं। बेहद सिंपल है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है और यह स्ट्रेटजी पिछले 10 सालों से लगातार प्रॉफिटेबल रही है। तो क्या है यह स्ट्रेटजी और क्यों अब तक आपने इसके बारे में सुना नहीं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए चेतावनी याद रखिए, आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा आप में से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये बहुत सहज तरीका है बड़ा पैसा ऑप्शंस के जरिए कमाने का। तो आज के वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, लेकिन उससे पहले तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए आप ऑप्शन के बड़े बड़े जानकारों से बात करेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि निफ्टी के ऑप्शंस की तो बस दो ही एक्सपायरीज होती हैं, एक वीकली एक्सपायरी और एक मंथली एक्सपायरी। बहुत टटोलने पर पता लगेगा कि उसके अलावा दो एक्सपायरीज और भी होती हैं जिन्हें नियर मंथ और फार मंथ कहा जाता है। जैसे अभी चल रहा है नवंबर, तो नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, बस यही एक्सपायरीज अवेलेबल होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इसके अलावा भी अनेकों ऑप्शंस की एक्सपायरीज निफ्टी में उपलब्ध हैं और इसके जरिए बनता है बड़ा पैसा। कम लोग इसकी बात करते हैं, कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और इसीलिए जहां लोग कम होते हैं पैसा वहीं बन रहा होता है। आज के इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सहज लेकिन पेशेवर तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आम तौर पर धारणा यह है कि ऑप्शन एक हाथ खरीदो दूसरे हाथ बेचो, वरना ऑप्शन की टाइम वैल्यू डीके का खतरा होने लगता है, क्योंकि हर ऑप्शन में जो कुल उसकी कीमत होती है यानी कि जो प्रीमियम होता है उसका बड़ा हिस्सा टाइम वैल्यू की वजह से होता है, जो कि समय के साथ लगातार कम होता हुआ चलता है। अगर आप ऑप्शन को लंबे समय के लिए रख लेते हैं तो टाइम वैल्यू का इरोजन इतना नुकसान कर देता है आपका कि आप उस ऑप्शन से कमा नहीं पाते। लेकिन ये सत्य पूरा नहीं है, क्योंकि कुछ ऑप्शंस हैं जहां टाइम वैल्यू का इरोजन बहुत ही धीमी गति से होता है और वहां पर बनता है बड़ा पैसा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी बड़े ही आसानी से लॉन्ग टर्म ऑप्शंस ट्रेड करके कमा सकते हैं जबरदस्त मुनाफा। लेकिन उससे पहले याद रखिए कि ऑप्शंस की ट्रेडिंग में आमतौर पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखे जाते हैं, यानी इंट्राडे चार्ट्स देखकर ऑप्शन की ट्रेडिंग आमतौर पर की जाती है। और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये एक ऑडियो बुक है जिसको सुनना आपके लिए अनिवार्य है। इस ऑडियो बुक का नाम है द सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, और देखिए बड़ी ही जबरदस्त ऑडियो बुक है और ये उपलब्ध है। और कहां? कुकू एफएम पर। तो जब आपको फुर्सत मिले, फुर्सत नहीं, समय निकाल करके इस ऑडियो बुक को जरूर सुनिएगा। आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग पर इस ऑडियो बुक को सुनने से बड़ा भारी फर्क आने वाला है, तो जरूर इसको सुनिएगा कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, जरूर चेक कीजिएगा। और अब बारी ऐसे ऑप्शंस की जिसकी मियाद बहुत लंबी होती है और जिसके जरिए बनता है बड़ा पैसा। देखिए हम सब सोचते हैं कि निफ्टी के ऑप्शंस 2-3 महीने तक आगे तक के ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि 2027 के ऑप्शंस भी आप अभी ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में, यानी 5 साल आगे तक की ऑप्शन की पोजिशन भी बना सकते हैं। कैसे ये सारा काम होता है और कैसे इसके जरिए बनता है बड़ा पैसा,
आइए डिटेल में समझते हैं। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, कागज कलम का कीजिए बंदोबस्त, क्योंकि छोटे छोटे नुक्ते हैं जो आपके इस स्ट्रेटजी के इंप्लीमेंटेशन में बहुत मदद करेंगे। तो बड़े ध्यान से आज के वीडियो को देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो लीजिए साहब, आइए समझते हैं कि अगर हम ऑप्शन की मियाद बढ़ा दें, यानी कि लंबी अवधि के ऑप्शंस में करें ट्रेडिंग, उनको खरीदें, तो कैसे सेफली आप पैसा बना सकते हैं, कैसे उसको ट्रेड किया जाता है और उसके पेज क्या हैं, आइए समझते हैं। देखिए, ये आपके सामने है एनएससी की वेबसाइट और ये है ऑप्शन चेन, जिसको आप प्रतिदिन देखते हैं, कई बार देख चुके हैं पहले। अब आइए, जैसे ही आप इसको गौर से देखते हैं, यहाँ एक्सपायरी डेट का एक कॉलम आपको नजर आएगा। इसमें हमें दिखती है आज की एक्सपायरी, यानी कि जो बिल्कुल हाल में एक्सपायरी हुई है, इसके अलावा अगले सप्ताह की एक्सपायरी और इस महीने की एक्सपायरी, जिसको करेंट मंथ एक्सपायरी कहा जाता है। इसके बाद है अगले महीने की एक्सपायरी, जिसको नियर मंथ कहा जाता है, और फिर जनवरी की एक्सपायरी, जिसको फार मंथ कहा जाता है। तो ये तो हम जानते हैं कि नियर मंथ, करेंट मंथ, फार मंथ, ये तीन एक्सपायरियां उपलब्ध होती हैं। लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि ऑप्शंस और विशेष रूप से निफ्टी के ऑप्शंस आप 2027 तक के मियाद के ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि अभी चल रहा है 2022 और 2027, यानी कि 5 बरस आगे तक की कॉल पुट आप थ्योरेटिकली खरीद सकते हैं। अब रियलिटी में नहीं खरीद पाएंगे और उसकी वजह यह है, आइए एक बार देखते हैं 2027 जून के ऑप्शंस को। आप देखें, यहां पूरा सुपड़ा साफ है, इसका मतलब यहां वॉल्यूम शून्य है, यहां पर कोई खरीद फरोख नहीं हुई, एक भी ट्रेड अभी तक नहीं पड़ा, कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है और सारे खाने खाली हैं। इसका अर्थ यह है कि इसमें कारोबार नहीं हो रहा है। हालांकि लिस्ट हो चुका है लेकिन ट्रेड नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2023 के अगर आप मार्च में जाते हैं, यानी कि दूर के ऑप्शन, लेकिन उतने भी दूर के ऑप्शन ना हो, उनको देखें, तो वहां पर लिक्विडिटी बड़ी जबरदस्त है और आप उसमें बड़ी आसानी से कारोबार कर सकते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि आमतौर पर निफ्टी की स्ट्राइक्स 50-50 के अंतराल पर होती है, लेकिन यहां पर 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 इस तरह से 1,000 अंकों की बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स के ऑप्शंस उपलब्ध हैं, क्योंकि कारोबार इन्हीं में सबसे ज्यादा होता है। यह है 30 मार्च 2023 के ऑप्शंस, यानी कि बजट भी तब तक आ चुका होगा, कई राज्यों के चुनाव भी संपन्न हो गए होंगे, यूएस में मिड टर्म इलेक्शन हो चुका होगा, तो ये सारे घटनाएं इस ऑप्शन में निहित है जो कि 30 मार्च 2023 को एक्सपायर होगा, अब से लगभग 5 महीनों के बाद। तो देखिए, आज यहां पर आप 5 महीने आगे तक के ऑप्शन का कारोबार कर सकते हैं। 5 महीने के बाद निफ्टी का जाना 20,000 तय है, तो आप 20,000 की कॉल खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं निफ्टी इस बीच गिर जाएगा, तो आप 16,000 की पुट खरीद सकते हैं। इस तरह से आप 5 महीने आगे तक के ट्रेड्स इन ऑप्शंस के जरिए कर सकते हैं। तो देखिए, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को ट्रेड करने का भी एक तरीका, एक कायदा होता है। ये नहीं कि आपकी जब इच्छा हो तब आप कॉल खरीद लें और पुट खरीद लें, आपको बड़े ध्यान पूर्वक सही समय पर ये ऑप्शंस लेने होते हैं। तरीका देखिए बड़ा आसान है। सबसे पहले देखिए बाजार की ओवरऑल दिशा क्या है। हम सब जानते हैं कि निफ्टी की दिशा पिछले 2 सालों से लगातार ऊपर की ओर रही है, तो ओवरऑल ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड निफ्टी का पॉजिटिव है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन समय समय पर निफ्टी में बड़ी गिरावटें आती हैं, जैसा अभी हमने हाल ही में देखा था कि निफ्टी घट करके 16,000 तक नीचे आया। जब कभी आप बाजार में बड़ी गिरावट आते हुए देखते हैं, वो समय है जब आपको कॉल खरीदनी है। बड़ी गिरावट के समय कॉल खरीदें, बहुत बड़ी कोई तेजी आपने आते हुए देखी तो वहां पुट खरीदें। तो देखिए, अगर आपने अक्टूबर की शुरुआत में मान लीजिए ये 18,000 की कॉल खरीदी होती, उस समय निफ्टी काफी घट चुका था, बड़ी गिरावट आई थी और ये कॉल मुश्किल से उस समय 350-400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी। आज आप देखते हैं इसका भाव 1,000 रुपए हो चला है, 999 का भाव दिखाई पड़ रहा है। अगर आपने इस कॉल को उस गिरावट के दौरान खरीद लिया होता, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टाइमिंग करने का प्रयास नहीं करना है, बड़ी आराम से एक बिड डाल करके रखनी है और इस ऑप्शन को तब खरीदना है जब बाजार में गिरावट हो। जब बाजार में तेजी हो उस समय आप पुट खरीदें। तो बाजार अगर आपको लगता है एक तरफा चल रहा है, बड़ी तेजी बन गई है, सभी स्टॉक्स में बहुत ऊपर के रेट्स हैं, करेक्शन ड्यू है, तो वहां पर खरीदें पुट ऑप्शन। मिसाल के तौर पर 18,000 के आसपास अगर निफ्टी चल रही है, 18,200 चल रही है, तो उस समय आप 17,000 का पुट खरीद सकते हैं।
जैसे ही बाजार में गिरावट आएगी, और देखिए 5 महीनों का समय है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि बाजार एक तरफा चलता रहे, गिरावट समय समय पर आती है। जैसे ही गिरावट आएगी ये जो पुट ऑप्शंस हैं इनकी कीमत कई गुना हो जाती है। फिर बाजार में गिरावट आई, उस समय आपने कॉल खरीदी, तेजी बनी और आपने उस समय उस कॉल से एग्जिट कर लिया। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो नतीजे बड़े ही शानदार होते हैं। याद रखिए कि मामूली 40, 50, 100 अंकों की गिरावट में आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है। कोई बड़ी गिरावट आती है या कोई बड़ी तेजी बनती है तभी लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस खरीदने का औचित्य है। सबसे अच्छी बात है कि हाँ कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शंस अगले हफ्ते नहीं बल्कि 5 महीनों तक आपका साथ निभाएंगे। तो ये एक तरह से शेयर खरीदने जैसी बात है और इसीलिए ये इतना सेफ होता है मेंटली। और जब आप सेफ्टी महसूस करते हैं, आप पर प्रेशर नहीं होता, तभी बनता है बड़ा पैसा। तो याद रखिए कि जब निफ्टी में करेक्शन आता है तब आपको खरीदना है पुट, और वो भी लंबी अवधि का, 5 महीने 6 महीने आगे का पुट खरीदना है, जिसमें टाइम डीके बहुत ही धीमी गति से होता है। 1 महीना भी बीत जाए तो भी टाइम वैल्यू इरोजन बड़े ही कम रफ्तार से हो रहा होता है और आप ऐसे ऑप्शंस को बिना टेंशन के होल्ड कर पाते हैं। जैसे ही बड़ी तेजी बनती है आपको आता है भारी मुनाफा, और ऑप्शंस के साथ जो तनाव आमतौर पर जुड़ा होता है इन पोजीशंस में नहीं होता। बड़े प्रीमियम को देख के मत घबराइए, क्योंकि समय भी बहुत मिलता है। आप भले ही क्वांटिटी कम रख करके भी इन लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। बस एक छोटा सा नुस्खा याद रखिएगा, टाइमिंग का बड़ा महत्व है। जब आपको चारों ओर त्राहिमाम होते हुए नजर आए, सुनाई दे, आपको लगता है कि बाजार में बड़ा भारी करेक्शन आ गया, लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, वही समय है कि दूर के स्ट्राइक का लॉन्ग डेटेड ऑप्शन खरीदा जाए और उसको कम प्रीमियम पर आप हासिल कर सकते हैं, और उस समय आपको कॉल बाय करनी है। उसी तरह जब बाजार में बड़ी भारी तेजी हो, सब तेजी में रमे हुए हो, वो समय है कि लोअर स्ट्राइक प्राइस की पुट खरीद कर चुपचाप बैठ जाएं। 5-7 दिन गुजर जाने के बाद आप देखेंगे बाजार में किसी ना किसी वजह से करेक्शन जरूर आएगा और ये जो आपकी पुट है इसमें अचानक से बड़ा मूव आता हुआ आपको नजर आएगा। ये अजमाई हुई बात है जिसका इस्तेमाल पिछले 10 वर्षों से मैं कर रहा हूं। तो यह है बात लॉन्ग टर्म ऑप्शंस की, जरूर इसको अजमाइएगा, इसको समझिएगा, और ऑप्शंस की अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सही ढंग से, पेशेवर ढंग से कीजिएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो और कैसा लगा लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को ट्रेड करने का ये तरीका? क्या इससे पहले आपने लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के बारे में सुना था तो क्या कभी ट्रेड किया था? इन सवालों के जवाब मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद आप सबका। इसी तरह ऑप्शन की छोटी छोटी बारीकियां लगातार आप तक पहुंचाता रहूंगा। और हाँ, द सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, इस ऑडियो बुक को सुनना मत भूलिएगा जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।